अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं, इसको बोलते हैं दन्यू और डीके मर्ग। तो हमारे वहाँ पे कहते हैं खासकर दनवे। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं सैर करवाता हूँ दरगाह की। दोस्तों मैं अभी जो है अभी हम जो है यहाँ पे दनवा में जो ज़ियारत है समर सिमर ज़ियारत, और हमारे जो है वो वहाँ पे मशहूर है चिमर ज़ियारत, तो चिमर या चिमर ज़ियारत के नाम से मशहूर है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का मैं जो है आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जो है बैठक है, जिनका मज़ार जो है वो चिरार शरीफ में, मेरी एक वीडियो मैंने डाली हुई, वहाँ पे आप वहाँ पे दीदार कर सकते हैं। तो दूसरी जो है वो यहाँ पे जो है इनकी बैठक है, यानी यहाँ पे वो बैठ के इबादत किया करते थे, तो वही जगह है जो अभी जहाँ हम आए हुए हैं। और यह भी मतलब बहुत फेमस है यहाँ की, ये देखें, और सामने पार्क बना हुआ है, ये सामने यहाँ पे पार्क, तो ये सामने इस तरफ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो मस्जिद है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे यहाँ की मस्जिद, ये सामने जो है यहाँ पे जामा मस्जिद, और यहाँ पे मदरसा भी है एक, उस तरफ जो है मस्जिद के साथ में मदरसा भी है एक। तो अभी हम जो ये आपको धनवे से डीके मार्ग जिसको बोलते हैं, विमाल हांजीपुरा से आगे आके, तो वहाँ का ये व्यू जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये दरगाह भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ती है, और यहाँ अंदर का व्यू आप देखें भाई, कश्मीर में हर एक जो भी दरगाह आपको मिलेगी वो तो उसको जो है सजाया गया होता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। और ये वो अंदर जगह जहाँ पे पीर बाबा जो है वो चिल्ला किया करते थे, इसके अंदर का व्यू। डीके मर्ग यानी दन्यू जो है ये समर वेकेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसके जो एक साइड पे पहाड़ पड़ते हैं, पहाड़ियां हैं, तो बाकी जो सेंटर में बिल्कुल एक वादी है, और यहाँ इसका नज़ारा जो देखने के बहुत लायक है। और इसमें जो है बहुत सारे मतलब घने जंगल, पेड़ पौधे, बाग, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम जो हैं वो दनवे जो रोड ऊपर की तरफ जाती है ढो की तरफ, वहां पे खड़े हैं अभी। तो अभी हम ऊपर तक भी गए थे और वहां से अभी वापस जा रहे हैं। तो अभी आप देखें जो लोग पैदल आते हैं वो यहाँ ये सामने जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ से इस जो ये मतलब यहाँ का माउंटेन है, यहाँ से वो नीचे होके आते हैं, इन पहाड़ियों से वो नीचे आते हैं। जो लोग रियासी माहौर से आते हैं खासकर पैदल लोग, और दनवे की तरफ जाते हैं, और दनवा में जो है वो यहाँ से खरीदो फरोख्त करके जो है ढोक में भी जाते हैं। तो अभी आप ये सामने देखें जो इस तरफ का जो व्यू है वो देखें आप, ये कैसा है यहाँ पे, और ये नीचे जो है ये पूरा सेब का बाग है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।